हाय गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले कि 28 जन से जो जावा का लाइव बैच आ रहा है उस बैच के अंदर एग्जैक्टली क्या डिस्कस किया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, किस लेवल की कंपनी की तैयारी कराएंगे, वो बैच आपको क्यों ज्वाइन करना हो, बैच किसके लिए है, सारी चीजों का आंसर करेंगे। बट उससे पहले एग्जाम्पल देना कि अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या BCMCA कर रहे हैं या IT सेक्टर में जॉब करना, हमारा एक ड्रीम होता है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करें, एक डिसेंट लेवल का पैकेज हो। हम चाहते हैं कि हमारा भी जॉब अमेजोन में लगे, फ्लिपकार्ट में लगे, मिंत्रा में लगे, माइक्रोसॉफ्ट में लगे, एडोब में लगे, गोल्डमैन में लगे। बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर कमांड होना चाहिए अच्छे लेवल का। तो ये जो बैच है ना 20 डेज में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पूरा कवर किया, जो ये कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, जिस लेवल का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारे इसमें कवर होंगे। अब बात आता है कि हम कौन से लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। देखो, सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप C++ से करो या जावा से करो। बट पर्सनली अगर फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो ना, तो मैं जावा पाइथन माना करूंगा कि पाइथन से मत करो। रीजन से भी पाइथन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट जावा या C++ से स्टार्ट कर सकते हो। बट ये बैच जो है 28 जैन से स्टार्ट हो, जावा में है वो मैं ही ले रहा हूँ, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं कि जावा में करो या C++ में कर रहे हो, ये कोई नहीं पूछता प्लेसमेंट के टाइम में आपसे। अब इस बैच में क्या कवर किया जाएगा, किस लेवल तक की तैयारी होगी, देखो ये बैच के अंदर ना मोर देन 60 लाइव क्लासेज होंगे, जिसके अंदर हम 300 से ज्यादा लीड कोड के क्वेश्चन कवर करेंगे क्लास में। लीड कोड के अलावा स्पॉज पे भी क्वेश्चन करेंगे, कोड फोर्सेस पे भी क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट में 200 से 250 क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया जाएगा। देखो मैं कितना करा रहा हूँ ये मैटर नहीं करता, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, आपको भी 250-300 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा। और इसमें जो कवर करेंगे, जैसे मान लो हम एरेज की बात करते हैं, एरेज में सिर्फ एरेज पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, एरेज के जितने भी एल्गोरिदम होते हैं जो पूछे जाते हैं सारे कवर, जैसे रिवर्सल एल्गोरिदम, स्लाइडिंग विंडो, आप बात करो यहाँ पे 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, पिजन होल प्रिंसिपल, मोरे वोटिंग, कैडेंस एल्गोरिदम, जितने भी बनते हैं, सॉर्टिंग जितना बनता है, बबल सिलेक्शन, इंसर्शन, काउंटिंग सॉर्ट, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम, ये सारे के सारे कवर होंगे। स्ट्रिंग के सारे एल्गोरिदम कवर किए जाएंगे, जैसे कि बात करें स्ट्रिंग में भी स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का क्वेश्चन होता है, स्ट्रिंग पे भी 2 पॉइंटर अप्रोच से क्वेश्चन होता है। इसके अलावा हम बात करें रिकर्जन बैक ट्रैकिंग, तो रिकर्जन बैक ट्रैकिंग कम से कम 30 घंटा पढ़ाऊंगा मैं। अब बोलोगे ऐसा क्या है उसके अंदर, देखो आपको जो कॉलेज में रिकर्जन बैक ट्रैकिंग आप कहीं से पढ़ते हो, लोग क्या बोलता है फैक्टोरियल फिबोनाची, ज्यादा से ज्यादा क्या रखो नहीं, बट वो कोई बताता नहीं कोड चला कैसे। हम रिकर्जन में ये पता करें कि 2 लाइन का कोड चला कैसे, और 30 घंटे इसलिए पढ़ रहा है ना कि रिकर्जन अगर आ गया ना, आगे का सारा आसान हो जाएगा टॉपिक, इसलिए रिकर्जन को सबसे ज्यादा टाइम मैं देता हूँ। अब इसके बाद आता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आप कोड लिख देते हो ना इंटरव्यूअर, आप ही का लिखा हुआ कोड का ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछता है, आप नहीं बता पाते हो ये। इनफैक्ट रिकर्जन से कोई कोड करके देते हो तो इंटरव्यूअर रिकर्सिव कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ, आप नहीं बता पाओगे। ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मतलब अदर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये भी आपको आना चाहिए, इसमें भी ये कवर होगा। और इसके अलावा हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टैक्स, क्यू, इनके इंप्लीमेंटेशन, इनसे रिलेटेड लीड कोड से क्वेश्चन करेंगे, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा बात करें ट्री, BST BT दोनों डिस्कस किया जाएगा, ओप्स पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा इसमें, क्योंकि विदाउट ओप्स हम आगे डेटा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हैं। कंपरेबल, कंपरेटर, इंटरफेस, ये सारे के सारे डिस्कस होंगे। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक, जैसे मान लो हीप हो गया, खुद से इंप्लीमेंट करेंगे, अपना हीप बनाएंगे, और हम क्या करेंगे कि हिप को जेनेरिक बनाएंगे, जैसे जावा में इनबिल्ट लिखा गया ऐसा हिप बनाएंगे, मैप ऐसे ही बनाएंगे। इसके अलावा बबल सॉर्ट लोग इंटीजर पर कराते हैं, आगे चलते बबल सॉर्ट को जेनेरिक कराऊंगा, उसमें कार क्लास पास करो तो बबल उसको सॉर्ट कर देगा, स्टूडेंट का क्लास पास करते स्टूडेंट क्लास को सॉर्ट कर देगा। इसके अलावा बिट मास्किंग, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारे के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो होगा ना इस बैच ओवर होने के बाद 500 से 600 क्वेश्चन का बंडल होगा, जिसमें से क्या होगा कि तीन मतलब सारे के सारे लीड कोड होंगे, जो 250-300 तो मैं कराऊंगा, उतना ही आपको करने के लिए दिया जाएगा। आपको आपका ड्रीम है ना कि हाँ आप भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना, तो आप ही के लिए बैच है, जिसको कुछ नहीं आता होगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा बैच, जिसको कुछ नहीं आता होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो आपको क्या करना है बैच में इनरोल होने के लिए, अगर आप चाहते हो कि कैसे इनरोल करेंगे इस बैच में, तो सामने स्क्रीन पर ऋषभ निगम भैया का नंबर आता होगा, इनको कॉल कीजिए, आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे साइट पे जाके इनरोल होना है। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।